सकता है। आप लोग लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य पे काम हो रहा है। देख लीजिए स्वास्थ्य की स्थिति देखिए। देखिए हम लोग भी चाहते हैं कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं सिर्फ उसी पे बात हो। आप बोलते रहिए अपना और हमको खाली खड़ा कर रखिए। मैं कह रहा हूँ जी, आप अनुभवी नेता हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपका आपके पास जो अनुभव है वो किसी के पास नहीं। बात कर रहा हूँ, पैसा चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। बता दें कि महागठबंधन में 7 घटक दल के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, तो वही बीजेपी विपक्ष में है, लगातार सत्ता पक्ष के लोगों पर हमलावर है। कई ऐसे मुद्दों को लेकर के जो है सरकार को घेरने का काम कर रहा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर बिहार में रोजगार हो या फिर स्वास्थ्य हो, कई चीज़ों को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक, और इनसे सवाल है हमारा कि कैसे देख रहे हैं, लगातार आप लोगों की सरकार बने हुए कई महीने लगभग बीत चुके हैं, ऐसे में क्या लगता है कि पहले की अपेक्षा कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, जो हमने वादा किया था, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया था, उस वादा के अनुरूप गठबंधन का निर्माण हुआ। और गठबंधन के बाद जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्रों में कामें हो रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जा करके सतही तौर पर देखिए, काम हो रहे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सवाल अगर है बीच में, तो देखिए कि इस दिनों बिहार में कई घटनाएं ऐसे घटी है जो कि सरकार के पास उसका कोई सफाई पेश करने नहीं। सफाई हम नहीं करते, हम काम करने वाले लोग हैं, काम में विश्वास करते हैं। हमको मालूम है कि 2-3 जिलों में कुछ घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन उस पर भी कार्रवाई करने के लिए कानून पूरे रूप से तैयार है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बहुत ही उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, सारे चीज़ों को वाच किया जा रहा है, और एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। पटना में नाक के नीचे हो गया तो कैसे इसको ये करेंगे? घटनाओं पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि घटनाएं छोटी है कि बड़ी है, घटना घटना है। वो सभी घटनाओं पर अगर होती है तो हम दुखी होते हैं, लेकिन घटनाओं पर कार्रवाई करना, दोषियों को सज़ा दिलाना, ये सरकार का काम है, और उस पर पूरी रूप से तन्मयता के साथ, मजबूती के साथ करने का काम। जदयू के MLC पर जो है आयकर विभाग के द्वारा जो छापेमारी की जा रही है, कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, उनका मामला है, विभाग का, वो जाने और वो जाने, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? उसमें हम न कोई जांच कमेटी है, न कोई हम आयोग हैं, जांच आयोग हैं, न हम कोई कानूनन हमारे पास कोई जवाब देने के लिए हमारे पास अधिकार है। ये सारे काम उनका है, वो भी सफाई दे रहे हैं और आयकर विभाग ने भी कर रहे हैं। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर हम नहीं टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो देश की जनता जान गई है कि आयकर विभाग, चाहे वो सेवी विभाग या वो IT विभाग, चाहे तो आपका CBI, चाहे ED, ये सब का काम रहा है कि विपक्ष को कैसे परेशान किया जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि गौतम अडानी के बारे में इतनी चर्चा, और हिंडनबर्ग ने जो जांच रिपोर्ट भेजा है, उसके बाद देश तो गुलाम बनने की स्थिति में आ गया है, आर्थिक कमज़ोर हो गया है। आज गौतम अडानी को 74,000 करोड़ रुपये का लोन माफ़ कर दिया गया, इस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? 74,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता है? सरकार ने माफ़ कर दिया, करके परेशान किया जाता है क्या? माफ़ कर दिया गया। 87% शेयर गौतम अडानी का खरीदने के लिए भारत सरकार ने इंश्योरेंस कमेटी को, LIC कंपनी को दबाव दे करके 87% शेयर खरीद लिए गए, और उसके बाद ये हो गए दिवालिया होने की स्थिति में। देश पूरे विश्व में अडानी जी कैमा स्थान पर थे, दूसरा नंबर पर थे, आज कैमा स्थान पर है, आज 20वें स्थान पर आ गए हैं। तो ये क्या है? और जो पैसा है, पैसा तो जनता का पैसा है, औने पौने जमा करती है बैंक में, और बैंकों को पैसा अडानी जैसे लोगों को लोन के रूप में दे दिया जाता है, और फिर उस पैसे को
74,000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया जाता है। हम आप कोई गरीब आदमी अगर 5 लाख रुपया भी लोन लेते हैं तो उस बैंक खड़ा हो जाता है दरवाजे पर। वो पुराने ज़माने में जो पठान लोग होते थे और गाली देते थे, अगर वही मुग़ल तो क्या स्थिति होती थी, वही स्थिति आज बैंक का हो गया है। लेकिन बैंक भी निस्सहाय है क्योंकि सरकार जिसको कहती है उसको लोन देती है, फिर लोन माफ हो जाता है। सवाल है कि इन दिनों महागठबंधन में, इन दिनों महागठबंधन की अगर हम बात करें तो 7 घटक दल पूरी बात कर लूं। आप क्यों गौतम अडवाणी से अडानी के बारे में बोलते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं? परेशान नहीं होते, परेशान हो जाते हैं अडानी पर, परेशान नहीं होते हम लोग। बिहार सब बेसिकली बिहार की जो समस्या है, जो बेसिकली बिहार की समस्या है, देश की बात करने की मैं कह रहा हूँ ना, देश की जनता है उसका पैसा है तो बिहार की जनता का भी पैसा है, बैंक में पैसा है। आप लोन लेने का जाइए ना, आपको लोन मिलता है। लेकिन अडानी जैसे लोग 74,000 करोड़ रुपया बैंक का, अब आप लोग भी सत्ता में है ना, आप लोग भी बेहतर करिए, आप भी बेहतर कर सकते हैं। हम भी लोन लेकर करके और माफ करा दें, माफ कराने की बात नहीं है, उससे भी बेहतर हो सकता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि आज आम आदमी जो है आम आदमी जो है वो त्राहिमाम कर रहा है, तो आप लोग भी उसको आप सपोर्ट करिए ना। भारत सरकार ने एक सवाल है इन दिनों आप लोग 7 घटक दल मिलकर के सरकार चला रहे हैं। मैं आपके एजेंडा पे बात करने के लिए मेरे एजेंडे पे बात नहीं है, मैं देश की जनता, बिहार की जनता का एजेंडा पे बात करूं। आप लोगों का जो बीच अभी जो तालमेल घालमेल नहीं बैठ पा रहा है उस पर चर्चा करने के लिए है। आप लोग लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य पे काम हो रहा है, देख लीजिए स्वास्थ्य की स्थिति देखिए। हम लोग भी चाहते हैं कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं सिर्फ उसी पे बात हो। आप बोलते रहिए अपना और हमको खाली खड़ा कर रखिए। मैं कह रहा हूँ जी, आप अनुभवी नेता हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपका आपके पास जो अनुभव है वो किसी के पास मैं नहीं बात कर रहा हूँ। पैसा चाहिए सारे कामों के लिए, संसाधन सीमित रहने के बावजूद भी हम स्वास्थ्य विभाग में जो बदलाव किए हैं, हम जो सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव किए हैं, भवनों के जो स्थिति को बदलाव किए, लेकिन पैसा हमारे पास कम है। हमको लोन भी नहीं देने का काम किया जा रहा है, जो हमारा अधिकार है। हमारे पास बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो दूर रहा, हमको स्पेशल पैकेज भी नहीं देने का काम किया जा रहा है। भारत सरकार हमको जब पैसा नहीं देगी, हमारा शेयर नहीं देगी, हमारा जो GST का पैसा है वो भी नहीं देने का काम करेगी, तो बताइए ना कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम सीमित संसाधन में काम कर रहे हैं, भारत सरकार हम पर अंकुश लगा दी आर्थिक रूप से। हमारे बैंक को जो हमको लोन लेना चाहिए, हमारी सरकार लोन लेना चाहती है, हमको लोन नहीं दे रही, और वो भी परिधि के अंदर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको ज़्यादा लोन दीजिए, हमको जितना अधिकार है लोन लेने का उतना भी नहीं दे रही है। तो हम विकास के काम सीमित संसाधन में जितना कर रहे हैं वो अपने आप में केंद्र की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। केंद्र का सहयोग तो दूर रहा, असहयोग हो रहा है। हमारा है हमारा ग्रामीण कार्य का पैसा, हमारा स्वास्थ्य विभाग का पैसा, हमारा शिक्षा विभाग का पैसा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा, हमारा GST का पैसा। कहना यही ना कि पैसे के अभाव में आप लोग काम नहीं कर पा रहे? जी नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, सीमित संसाधन के में भी हम काम कर रहे हैं। क्या था स्थिति, आप जाइए ना कंपेयर कीजिए ना भारतीय जनता पार्टी के राज्यों से क्या हाल है और हमारी राज्य का क्या है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों मिलकर के पूरी सरकार जिस मजबूती से कार हर एक विभागों का काम कर रही है वो अपने आप में एक उदाहरण है। लेकिन नेम प्लेट पे तो सिर्फ मुख्यमंत्री अपना नाम छपवा रहे हैं, तेजस्वी जी तो क्यों भारत सरकार अवार्ड दे रही है, कृषि कर्मणा पुरस्कार क्यों दे रही है, क्यों स्वास्थ्य विभाग में अव्वल के लिए भारत सरकार प्राइज दे रही है, क्यों दे रही है? जब हम काम नहीं कर रहे हैं तो क्यों प्राइज दे रही है? इसका मतलब है कि हम काम कर रहे हैं। जब भारत सरकार की एक तरफ कह रहे हैं कि काम आप कर रहे हैं उसके बाद आपको अवार्ड मिल रहा है, दूसरे तब उनके जो नीचे वाले जो लोग हैं, जो उनके जो नीचे वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है। काम तो जाइए जनता के बीच में। हमारे यहाँ उत्पादन कुशवाहा को क्या करेंगे आप लोग? कृषि उत्पादन आप लोग के लिए संकट क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग के लिए परेशानी हर रोज। आपके लिए एजेंडा हो सकता है, मेरे लिए एजेंडा है कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन बढ़ा है, सबसे ज़्यादा बढ़ा है। हमारा मकई बढ़ा है, धान बढ़ा है, हमारा जैविक खंदा जो खाद सामग्री है वो बढ़ा है। हमारे यहाँ काम हो रहा है, हमारे यहाँ सब्जी की ज़्यादा पैदाइश हुई है,
हम वो हमारे लिए तो आपको क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि शरद यादव की पार्टी थी जदयू, उन्हें धक्का मार करके बाहर का रास्ता नीतीश कुमार। एजेंडा आप चलाइए, ये एजेंडा आप चलाइए, हम काम में विश्वास। आप देखिए एक चीज बताते हैं, आप लोग जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मेरा बार बार यही कहना है ज्वलंत जो मुद्दे हैं वही चीज है। मुद्दा विकास, देखिए विकास आप लोग काम करें, लेकिन आप लोग कभी मंत्रिमंडल का बात छेड़ करके लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, आरोप आप हमारे ऊपर लगाइएगा। आप लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात इन दिनों देखें तो पिछले का आंकड़ा आप बताने लगिएगा। आप लोग स्वास्थ्य का अगर बात छेड़िए तो कहिएगा कि पहले की सरकार क्या नहीं। अभी तत्काल में जैसे आप लोग गठबंधन की सरकार से लोगों की अपेक्षा है, उम्मीद है, हम लोगों को भी यह पता था कि पहले की सरकार से नहीं कुछ हो पाया। आप लोग का यही कहना है कि पहले की सरकार से, लेकिन आप लोग अपने साधन से जितना किया हम लोग भी उससे ज़्यादा करने का काम कर रहे हैं। और आप जाइए अस्पतालों में, क्या जरा सा पूरी बात सुनिए, या तो आप अपना कहते रहिए या मेरी बात पूरा सुनिए। मैं अब नहीं बोलूंगा, सवाल करते रहिए। श्याम रजक जी, जितना आप अनुभवी हैं, जी आप मंत्री रहे, आप नेता रहे, आप अनुभवी नेता रहे, सब कुछ है, जितना आपके पास में अनुभव है उतना किसी के पास में अनुभव नहीं है। आप वही चीज को बताइएगा जो कि लोगों के हित में हो, जो लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक हो, वही चीज को आप बताइएगा। और कुछ ठीक, नमस्ते। आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ अपनी बात मेरे चेहरा को दिखला करके अपनी बात कहना चाहते हैं। मैं आपका वॉइस नहीं बन सकता हूं, मैं हम जनता की वॉइस है, और जनता की वॉइस है उसी को मैं कहूंगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं नहीं कहूंगा। आप घर के झगड़े को आप उठाना चाहते हैं, हम देश के झगड़े को शांत करना चाहते हैं, हम समता लाना चाहते हैं, हम शांति लाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि एकजुट नहीं है, हम एकजुट हैं। आप क्यों 50 को चैनल बनाए हैं, आप क्यों नहीं सब विलय कर करके एक हो जाते हैं? क्यों न्यूज फॉर नेशन चल रहा है, क्यों न्यूज फॉर 18 चल रहा है, क्यों चल रहा है GTV? आप लोग एक हो जाइए, सबका तो मकसद एक ही है, आप लोग एक हो जाइए, बहुत अच्छा होगा। मेरी आकांक्षा है कि आप लोग एक होकर चाहिए, अलग अलग दुकान मत खोलिए। आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक का। इन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बेहतर काम कर रही है और आगे आने वाले समय में और भी बेहतर काम करेगी। इस खबर से इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।